नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है श्रेयस और आज की तारीख है 6 जून 2022। और भैया आज हमारे खेत में एक कार्य चल रहा है जो कि है ये जो हमारी मेन है खेत की, उसको ऊंचा बनाने का कार्य है आज का। तो पहले लव से यहाँ पर नाली बना ले रहे हैं। तो ये जो हमारे खेत के मेंढे हैं इसके उस तरफ रास्ता है, उस रास्ते का जो पानी है वो खेत में उतरना नहीं चाहिए, इसलिए इस मेंढ को हम ऊंचा कर रहे हैं। तो पहले वो प्लाउ से इसको उखाड़ ले रहे हैं मिट्टी को। तो सामने चल रहा है हमारा ट्रैक्टर प्लाउ के साथ। और प्लाउ होने के बाद में ब्लेड से इसको मेन पर मिट्टी को चढ़ाया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, आपको सब कुछ फुटेज दिखाने की कोशिश हम करेंगे। तो भैया ये हमारी हर साल की यही प्रॉब्लम रही थी खेत की, क्योंकि ये जो बाजू में मेड़ के बाजू में जो रास्ता है, इस रास्ते का जो पानी है बारिश का वो खेत में अंदर उतर जाता है, तो उससे फसल को नुकसान होता है। तो इसलिए इस मेड़ को ऊंचा बनाया जा रहा है। तो पहले प्लाउ से इसको खोद ले रहे हैं, नाली बना ले रहे हैं, और प्लाउ चलने के बाद फिर एक ब्लेड हम मांग के लेके आए हैं जो कि ट्रैक्टर को पीछे जोड़कर फिर उससे मिट्टी को मेड़ों पर चढ़ाया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर ले। भैया इस तरह से गहरी नाली बना ले रहे हैं पहले। और ये कार्य हम बहुत दिनों से करना चाहते थे, लेकिन इस काम का सही समय आज आया है, आज मिला है समय ट्रैक्टर को, और तो फिर आज इसको इस कार्य को शुरू किया है। तो आप देख सकते हैं भैया फोर व्हील ड्राइव का कमाल, टायर बिल्कुल भी स्लिप नहीं करते, तो ट्रैक्टर फुल डिप लेके चलता है भैया। तो भैया ये जो हमारी मेड़ है खेत की, वो वहाँ तक सामने जो पेड़ दिख रहे हैं वहाँ तक आगे तक जाना है, इस तरह से पहले प्लाउ लगा के और बाद में भी इसको ब्लेड से मेड़ों के ऊपर मिट्टी चढ़ाएंगे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी मेड़ है ये पूरी तरह से खत्म हो गई है। तो इस वजह से ये सड़क, ये जो रास्ते का पानी है ये इधर कितनी उतर जाता है और फसल को नुकसान होता है। तो भैया वीडियो में आपको सब कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे।
वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। ये खेत की जो लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा है भैया, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। तो भैया ये जो हमारा खेत है इसमें पहले गेहूँ की फसल थी और गेहूँ की फसल अभी कट चुकी है। तो भैया पहुँच चुके हैं आखिरी मिनट तक। तो अभी उस तरफ से नाली बना लेते हैं दूसरी मेड़ की तरफ से। तो भैया अभी एक साइड हो चुकी है और खेत की दूसरी साइड से अभी नाली बनाना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए भैया अगले भैया कैसे ताकत लगाते हैं। तो वो जो आगे सामने जो पेड़ दिख रहा है ना भैया, वहां तक है इस खेत में। तो भैया अभी खेत की तीसरी साइड में आ चुके हैं और इस तरफ से अभी लोगों को एक बार चला लेते हैं। तो भैया ये तीसरी साइड से तीसरी मेड़ की साइड से ट्रैक्टर चल रहा है और चौथी साइड से करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस तरफ दूसरा खेत है। तो अभी ये तीसरी साइड होने के बाद लोगों को यहाँ पर निकाल लेंगे और यहाँ पर हमने ब्लेड रखा है तो इसको ट्रैक्टर से जोड़ के फिर बाद में मिट्टी को मेड़ों पर चढ़ाने के लिए ट्रैक्टर वापस जाए। भैया फ्लोर को यहाँ पर निकाल लेते।
तो भैया अभी ब्लेड लगा के आ चुके हैं और अभी ब्लेड से ब्लेड पर मट्टी चढ़ाने का कार्य अभी चालू होने वाला है। इतनी साइज की मेड अपन बना रहे हैं ताकि रास्ते का पानी खेत में ना आ सके। तो भैया इस प्रकार से हमको तो भैया अभी एक साइड मेड बनाना हो चुकी है और देखिए आप देख सकते कितना शानदार दिख रहा है अभी ये मेड और बहुत ही शानदार काम हुआ है भैया, बिल्कुल जेसीबी के लोडर की तरह ही काम हो रहा है। और ये साइड अभी कंप्लीट हो चुकी है और अभी इधर दूसरी साइड में मेड बनाना चालू हो चुका है। बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है भैया और शानदार दिख रहा है। बिल्कुल जेसीबी की फील आ रही है। तो अभी ये सेकंड साइड की मेड चालू है भैया और तो भैया ये जो हमारी मेड़ है वो ये यहाँ से तो इधर इस तरफ है वहाँ तक है।
तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और आपको इस तरह की अच्छी वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी सारी ट्रैक्टर से रिलेटेड। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।